इंसेंस स्टिक से हर कोई परिचित है। आज दुनिया भर में ये व्यवसाय मशहूर हो चुका है। इसी कड़ी में आज हम आपको वियतनाम के उनग हुआ जिले के क्वांग फू काऊ गांव के बारे में बताएंगे, जिसे इंसेंस विलेज के रूप में जाना जाता है। अब जैसा कि गांव का नाम ही इंसेंस विलेज रख दिया गया है, तो इसी से आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि आखिर यहां पर लोगों का काम क्या होता होगा। स्थानीय लोगों के अनुसार एक सदी से भी ज्यादा का वक्त हो गया है कि इस गांव के लोग अगरबत्ती बना रहे हैं। वियतनाम के लोगों के लिए जनवरी का महीना सबसे ज्यादा व्यस्त होता है, क्योंकि यहाँ लूनर न्यू ईयर हॉलीडे के लिए सारे वर्कर्स फ्रैग्रेंट इंसेंस स्टिक्स तैयार करने में लगे रहते हैं। आपको बता दें कि वियतनाम के इंसेंस विलेज ने 2 महीने से अधिक समय के बाद ये परिचालन फिर से शुरू किया है। इसके पीछे की वजह ये है कि वियतनाम में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए किए गए उपायों ने यहाँ बहुत सारे उद्योगों के लिए काम ठप कर दिया था, लेकिन इंसेंस मेकर्स को आने वाले नए साल में बेहतर संभावनाओं की उम्मीद है। आइए अब जरा आपको ये भी बता दें कि ये इंसेंस स्टिक्स बनती कैसे है। बांस से बनी अगरबत्तियों को स्टिक्स में डिवाइड किया जाता है और उसके बाद उसे गुलाबी रंग में डुबोया जाता है। फिर उन्हें बाहर सूखने के लिए रख दिया जाता है, जिसके बाद पूरा गांव सी ऑफ पिंक में तब्दील हो जाता है। डुओक पेड़ के स्टिकी बाग पाउडर और जड़ी बूटियों के मिश्रण से सुगंधित अगरबत्ती बनाई जाती है। हर साल लूनर न्यू ईयर हॉलीडे से पहले इस तरह वियतनाम के लोग इंसेंस स्टिक्स को बनाने की प्रक्रिया करते हैं, और आज यही वजह है कि वियतनाम के उनग हुआ जिले के क्वांग फू काऊ गांव को इंसेंस विलेज के नाम से जाना जाता है। लोगों के घरों में इंसेंस मेकिंग सबसे लोकप्रिय व्यवसाय है। यहाँ बनी अगरबत्ती सिर्फ स्थानीय स्तर पर ही नहीं बेची जाती है, बल्कि दुनिया भर के विदेशी बाजारों में भी निर्यात की जाती हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का इंसेंस मेकिंग से जुड़ा ये स्पेशल वीडियो जरूर पसंद आया होगा। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 डिजिटल। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।